और भाई तो कैसे मेरी पब्लिक खुश है, मैं ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और भाई तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, मनाली का ब्लॉग अलग होने वाला है। तो आज हम मनाली में है, बहुत ज़्यादा ठंड है डूड, 3-4 कपड़े अंदर पहने, -7 डिग्री चल रहा है। और मुंबई के लोग -7 डिग्री नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं रेजिस्ट कर सकते। तो भाई देखते हैं, अभी तो फिलहाल तुम लोग रूम देख लो क्या है। अभी ब्रश एंड ऑल हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। एंड मोबाइल की बैटरी बहुत कम है, तो मुझे ब्रेकफास्ट करके तुरंत चार्ज पे लगाना पड़ेगा, फिर ही मैं ब्लॉग कर सकता हूँ, नहीं तो मनाली के ब्लॉग के मेरे पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो चलो पहले तो गाइस, अभी हम लोग खाना वाना खा के सब रेडी होके हम लोग अभी निकले हैं। एक्चुअली बाकी सब लोग जो है हम लोग के फ्रेंड्स, वो लोग तो अभी तक लंच एंड ऑल ही कर रहे, कुछ लोग अभी भी सो रहे। 3:30 को हम लोग निकलने वाले मॉल रोड के लिए, तो हम लोग ऐसे ही मनाली घूमने निकले। हम लोग अपना 4-5 लोगों का ग्रुप हम लोग निकले। एंड अभी हम लोग एक नदी के यहाँ पे आए, डूड इट इज़ डैम सेक्सी। तो गाइस फिलहाल ये हम लोग को लेह लद्दाख से कम नहीं लग रहा ये सीन, अभी फुल ऑन लाइक भाई फुल मजे में है। पानी का कलर देख रहा है, इतना क्लीन पानी कभी मुंबई में देखने नहीं मिलेगा, कभी नहीं भाई। अगर तुम लोग मनाली आए हो, ठंडी को देखते हुए अगर घर से रूम से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो तुम मनाली का मजा ही नहीं ले पाओ। ठंडी तो हम लोग इतनी लग रही है, अभी कांप रहे हैं, फिर भी मजा लेना है। धूप के आइसक्रीम खा के बैठे हम लोग। तो यहाँ पे विनोद जो है उसने 8 माला खड़ा किया है, खड़ा किया है 8 माले की बिल्डिंग खड़ी कर रही है। ब्रो कितना खड़ा करने का है? 15 होगा आराम से। लेट्स सी कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए। मनाली में हम लोग को पीकॉक दिखे, मेरे दोस्त लोग के हिसाब से वो पीकॉक है, देख सकते हो तुम लोग, ये पीकॉक है इन लोग के। बहुत आड़ बहुत आड़, ए जाओ पीकॉक पकड़ के लेके जाओ घर पे, इतना अच्छा लगा। तो ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं फिलहाल डिपेंडेंट टेम्पल। आवाज ठीक है, समझ सकते हो -4 के डिग्री में क्या हो सकता है आवाज। स्टॉकिंग व्लॉग स्टॉकिंग। तो जो भी है, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं टिबेटियन टेम्पल। हम लोग मॉल रोड पे हैं और अभी फिलहाल जा रहे हैं टिबेटियन टेम्पल, फिर मॉल रोड घूमेंगे, जो भी है देखते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हो रहा है एक्चुअली, अच्छा हो रहा है। ऑलराइट, वी आर योर टेम्पल, देखते हैं। बहुत ठंडी है फिलहाल,
कोई नहीं। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग का हो चुका है दर्शन वर्शन एंड ऑल करके, सब टिबेटन टेम्पल घूम चुके, बहुत सारे अलग अलग है यहाँ पे एक ही इसमें। तो अभी हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, बैकग्राउंड भारी है। मैं तुम लोग दर्शन रावल से मिलाता हूँ सर, एक सेल्फी सर। बस अभी हम धन्य हो गए, अब हम धन्य हो गए। तो चलो अभी देखते क्या है क्या नहीं। जिसको लगा दर्शन रावल कमेंट करो। तो ओके गाइस, अभी हम लोग टिबेटन टेम्पल जाके आ चुके हैं, मस्त खा पी लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड फॉर सम शॉपिंग एंड अदर स्टफ। आदि मैं कल बर्फ लेके आ रहा था, हाँ वो तो मैं खेला भी था उससे। तो ठीक है कोई नहीं। ओ ब्रो अस्सा, राइट गाइस। तो अभी हम लोग मॉल रोड में एक शॉप पे कब से है यहाँ पे, एंड लाइक क्लोथ्स का क्वालिटी वो सब अच्छा है यहाँ पे, एंड लाइक ऑल ओवर इधर ये शॉप में सबसे ज़्यादा लाइक चीप रेट्स में है, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू मुंबई महंगा ही मिल रहा है। तो जो भी है, मैं भी हुडी देख रहा हूँ, उतना अच्छा तो लगा नहीं, बट लेट्स सी कैसा है। तो इफ अगर तुम लोग आओगे तो ये वाला शॉप मैं बता दूंगा बाहर से कैसा है। तो तुम लोग इधर आ सकते हो, मॉल रोड पर है ये मनाली में। तो लेट्स सी, मैं भी पहले कुछ देख लेता हूँ, मेरे लिए ले रहा हूँ कि नहीं। तो ऑलराइट गाइस, घर से शॉपिंग कर करके अभी मैं मम्मी के लिए शॉल एंड वुलन लिया हूँ। लेट्स सी और कुछ मिलता है। तो जैसे कि मैंने बोला था, मेरे को हुडी तो मिला नहीं। तो फिलहाल हम लोग है ना अभी बेच रहे हम लोग क्या है, लेदर जैकेट। आज ब्लॉगर है ना, बेचने चला है कपड़े 400 में एक, खरीदा 1000 में। और ठीक है, हम लोग 400 में बेच रहे, प्रॉफिट हम लोग को ही है, दोस्त ने खरीदा हम बेच रहे। हाउ इज द जोश? हां द जोश इज ऑसम सर, ऐसा बोलना चाहिए। हाउ इज द जोश? दिख रहा है क्या? हाय सर। नहीं, मैं नॉर्मली बोल सकता है। हाय सर, हाउ चाहिए मेरे को? या ब्रो, यो ब्रो व्हाट्स अप? तो ऑलराइट गाइस, हम लोग अभी शॉपिंग एंड ऑल करके आ गए मॉल रोड से। गाइस मनाली बहुत सही प्लेस है घूमने के लिए, इफ तुम लोग कभी इधर आओगे ना मॉल रोड जरूर जाना, एक से एक कपड़े वहाँ पे। और खाने का तो पूछो ही मत, इतनी ठंडी में कुछ भी खाना गर्म दो अच्छा ही लगता है। तो अभी तो डिनर होगा, फिर रात को पार्टी होने वाली है, लाइक रूम में ही पार्टी होने वाली है, तुम लोग समझ सकते हो। जो भी, मैं तो रात को भी आज व्लॉग करूंगा, इतने टाइम से नहीं कर रहा था, आज मैं करूंगा रात का भी व्लॉग। तो देखते कैसा जाएगा कैसा नहीं। तो बाय द वे, मुझे रिव्यूज तो बहुत अच्छे मिले आज इस कपड़े पे, बहुत अच्छा दिख रहा हूँ करके। तुम लोगों को भी अगर ये वाला आउटफिट पसंद आया हो तो कमेंट कर सकते हो। एंड मनाली व्लॉग बहुत ही बॉम्ब व्लॉग होने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना। और होने वाले तो डे वन का, डे टू का भी मनाली व्लॉग है, तो गाइस देखना जरूर। तो अलग, जैसे कि मैंने बोला था कि अभी जाके खाना खाएंगे, तो मेरा खाना ये है, फिलहाल सूप है, ओनली सूप।
खाना खाने से पहले सूप से स्टार्ट करते हैं। शादियों में भी तो यही करता हूँ मैं, तुम्हारा नहीं पता, मैं तो सूप से स्टार्ट करता हूँ। तो फिलहाल से सूप लिया। चलो मैं भी अभी ब्लॉग थोड़ा बंद करता हूँ, 9% बैटरी है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। तो मैं तुम लोग बाद में मिलता हूँ। A few moments later. Day 2. तो ऑलराइट गाइस, मनाली में डे 2, जैसे कि मैंने बोला था डे 2 का भी व्लॉग होने वाला है। तो आज डे 2, आज हम लोग आए हैं सोलैंग वैली। हम लोग इस टेम्पल में आए जहाँ पे जवानी दीवानी, ये जवानी है दीवानी का शूट हुआ था। अभी याद आया? याद आया, अभी भी नहीं याद आया तो मैं बताता हूँ फिर। सॉरी, तो ऑल राइट गाइज, ये हडिम्बा टेम्पल है, बट एक्चुअली मैं अंदर का नहीं बता पाया क्योंकि लाइक फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और अंदर भी लाइक गार्ड्स मतलब जो है वहाँ के वो लोग खड़े थे तो नहीं हो पाया। कल जो टेम्पल में गया था वहाँ पे भी प्रोहिबिटेड था, बट अंदर कोई नहीं था तो मैंने बताया था, बट आज हडिम्बा टेम्पल में है। मेरी आवाज़ बैठ गई है डूड, लाइक कैसा लग रहा है वेदर? कैसा? बहुत ठंडा। बहुत ठंडा? नहीं मेरे को तो गर्मी लग रही है। जैकेट वगैरह फेंकने का मन कर, निकाल निकाल तू जल्दी निकाल, फेंकने का मन कर रहा है, बट क्या ना वो दोस्त कह रहा हूँ फेंकूंगा तो अच्छा लगेगा इसलिए फेंक नहीं रहा। अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले सोलैंग वैली, फेमस वैली है, ज्योग्राफी में बहुत सुना करता था स्कूल टाइम में इसके बारे में। ये है पूरा यहाँ का सीनरी, बैकग्राउंड जो भी बोल सकते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे हम लोग फोटोज़ खींचेंगे, बैकग्राउंड दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे हम लोग फोटोज़ खींचेंगे और फिर सोलैंग वैली पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोलैंग वैली। ये कॉस्ट्यूम डूड, तो लाइक हम लोग उधर बहुत स्नो है, इतने इतने फीट तक स्नो होने वाला है, तो ठंडी ना लगे करके हम लोग को ये कॉस्ट्यूम दिया है। कॉस्टली तो नहीं है बट ठीक है, 250 का पड़ा, एंड 100 रुपीज़ के ग्लव्स हम लोग मुंबई लेके जा सकते हैं। तो अभी चलो देखते हैं, मचाएंगे स्नो में, मचाएंगे स्नो की तरह उधर। यस ब्रो, तो अभी मैं सीधा तुम लोग को मिलता हूँ सोलैंग वैली पे। चलो चलो भाई खेले बर्फ से। Inches later. Midnight. Day 3. ऑलराइट गाइस, तो अभी
डे थ्री मनाली में है, बट अभी हम लोग मनाली से निकल रहे हैं, हम कुल्लू जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग करेंगे वहाँ पे, आई थिंक पैराग्लाइडिंग भी करेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से निकलेंगे। तो मैंने कल रात को डीजे का सीन्स बताया और उसके बाद वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा था और मैं बहुत थक चुका था। तो अभी कुल्लू जा रहे हैं, कुल्लू में रिवर राफ्टिंग करने के बाद देखते हैं क्या सीन और क्या नहीं। तो चलो पहले मैं वहाँ पे मिलता हूँ तुम लोग को और फिर देखते हैं क्या सीन। और लड़के जैसे कि मैंने बोला था कि आज हम लोग रिवर राफ्टिंग करने वाले हैं, तो फिलहाल पप्पू ब्रो तो आज हम लोग इधर फिलहाल रिवर राफ्टिंग करने वाले, ये रिवर में मचाएंगे। तो देखते हैं अभी फिलहाल, यार कपड़े पूरे भीग जाएंगे और वही कपड़े में जो भी है बैठने वाले, या बार बार दिन आता नहीं है, भिगा देंगे खुद को, इसमें क्या है। तो चलो आई गेस इफ गोप्रो मिला तो मैं रिवर राफ्टिंग का क्लिप ले सकता हूँ, मोबाइल लेके तो नहीं कर सकता भाई, मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है मेरा। तो भी आई विल ट्राई माई बेस्ट की क्लिप्स कहाँ ना कहाँ से तो जुगाड़ कर लूँ। Yeah, I'm gonna go.
ट्राई करूंगा, कुछ नहीं होगा। तो ऑलराइट गाइस, तो मैंने रिवर राफ्टिंग के बाद क्लिप्स नहीं बनाया क्योंकि लाइक मेरा मोबाइल रिवर राफ्टिंग में बह चुका था। तुम लोग ने जैसे क्लिप देखा, मैं डूब चुका था, मोबाइल मेरे साथ था। अतरंग है ना प्रतीक्ष, शौक है उसको ये सब करने का। तो मोबाइल में साथ में लेके उतरा था, मेरा मोबाइल का लाइक पीछे का बैक कैमरा खराब हो चुका है, स्पीकर खराब हो चुका है। अभी तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, बट बैक कैमरा में पूरा पानी घुस चुका है। फ्रंट कैमरा में भी कल पानी था, इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था, मतलब स्टार्ट नहीं किया था फिर से वहां से। तो जो भी हो, अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं मुंबई। तो आई होप तुम लोग मनाली वाला जो ये ब्लॉग है पार्ट टू जो भी है तुम लोग पसंद आया होगा। इफ पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और इफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सेक्सी बेबीज।